नमस्कार, मैं हूं काव्या मिश्रा और आप देख रहे हैं एसके लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। कल विश्वकर्मा पूजा के दिन वायरल हुए इस वीडियो में आप सीधे देख सकते हैं अपराधी द्वारा अवैध हथियार के जखीरे की पूजा की जा रही है। यह वीडियो है पूर्वी चंपारण के कोटुआ प्रखंड स्थित महारानी वैरिया गांव के राहुल झा का। राहुल झा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जैसे यह वीडियो अपलोड किया यह वायरल हो गया। वीडियो मोतिहारी एसपी डॉक्टर कुमार आशीष तक पहुंचा। वीडियो में हथियार के जखीरे को देखते हैं पुलिस के कान खड़े हो गए। पुलिस ने तत्काल कार्यवाही करते हुए राहुल झा के घर पर छापेमारी की। पुलिस के हाथ नहीं लगा, लेकिन राहुल झा के पिता सुनील झा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सुनील झा भी हत्या के एक मामले का आरोपी है जो फरार चल रहा था। बताते चले, महारानी बैरिया गांव में दो दिन पूर्व एक सैनिक अवैध बिहारी शर्मा के यहां वेश्या चोरी को अंजाम दिया गया था, जिसमें 16 लाख से अधिक मूल्य के सामान अपराधी ले उड़े थे। ग्रामीणों की माने तो पूर्व सैनिक जिनके घर चोरी हुई थी, अवध बिहारी शर्मा को डराने के लिए वीडियो डाला गया था ताकि वह पुलिस में राहुल झा का नाम डर से न ले सके। लेकिन जैसे वीडियो की जानकारी एसपी कुमार आशीष को हुई, उन्होंने तत्काल कोटुआ थाना पुलिस को अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। छापेमारी में राहुल झा नहीं पकड़ा गया, लेकिन उसका पिता सुनील झा को हत्या का आरोपी है पुलिस ने धर दबोचा। ऐसे में राहुल झा की गिरफ्तारी के बाद ही पुलिस को हथियार का जखीरा बरामद हो सकेगा। इसके लाइव ने पूर्व सैनिक के घर के चोरी की घटना को प्राथमिकता से दिखाया था। खबर के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज की थी और अपराधी ने ग्रामीणों को डराने के लिए ऐसा वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट कर दिया था। खबर का असर है, छापेमारी में एक फरारी आरोपी पकड़ा गया। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।